इंच इंच गाजा पट्टी तबाह। गाजा पट्टी की तबाही का आलम देखिए। इसराइल के खिलाफ हमास के हमले का अंजाम पूरी गाजा पट्टी भुगत रही है। गाजा पट्टी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसराइल ने गाजा पट्टी के खिलाफ जिस लेवल का फायर खोला है उससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा पट्टी कितने टुकड़ों में टूटेगी। इसराइल के खिलाफ अरब देश, लेकिन क्या हमास के अंत से, गाजा की तबाही से इसराइल की अरब देशों के साथ दुश्मनी निपट जाएगी? इसराइल के साथ अमेरिका है, लेकिन ये बात बहुत गौर करने वाली है कि इसराइल के खिलाफ युद्ध में किसी भी वक्त तीन देश मिस्र, लेबनान और सीरिया उतर सकते हैं, जिनके समर्थन में पीछे खड़ा है ईरान। ये चार देश मिलकर इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो क्या इसराइल की आर्मी के पास इतनी ताकत है कि वो इनसे डायरेक्ट मुकाबला कर सके? इस सवाल का जवाब आपको इन देशों के पास मौजूद हथियार और इसराइल की मिलिट्री ताकत को देखकर मिल जाएगा। आगे आपको दिखाएंगे कि इसराइल के खिलाफ इन देशों के पास वो कौन से हथियार हैं जिन पर इन देशों को भरोसा है, लेकिन उसके पहले इसराइल की सैनिक ताकत, खासकर मिलिट्री कैपेसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमास पर इसराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इसराइल ने बेहतरीन तकनीक वाले हथियारों के बल पर हमास पर वर्चस्व की पूरी तैयारी कर ली है। इसराइल की सेना के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन पर न तो गोली का असर होता है और न ही बम का। ये किसी भी रास्ते चल सकते हैं, कच्चे हों या पक्के, पानी वाले हों या फिर बालू के टीले हों, और इन्हीं हथियारों के बल पर हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास कुल सैन्य बल 6.46 लाख है। इनमें से इसराइल के पास 1.73 लाख एक्टिव मिलिट्री है, जबकि 4.65 लाख रिजर्व सैनिक है, 8,000 पैरामिलिट्री के जवान है। इसराइल का एक रूल है जिसके कारण हर इसराइली सिपाही है। असल में इसराइल में 18 साल के किसी भी युवक को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है, जो कि 2 सालों की होती है। वहीं महिलाओं के लिए भी मिलिट्री सेवा जरूरी है, लेकिन उनके लिए 2.5 साल की ट्रेनिंग का नियम है। इसराइल की जो आबादी है उनमें से 31.11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी समय मिलिट्री सर्विस में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 1.24 लाख से ज्यादा लोग मिलिट्री में शामिल होने वाली उम्र में पहुँच गए हैं, मतलब 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है। है ना दिलचस्प? युद्ध के वक्त देश के भीतर यही ट्रेंड नागरिक किसी भी देश को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर सकते हैं। वैसे भी इसराइल 32 दांतों के बीच अरब की जमीन पर जुबान सी है, लेकिन इसराइल टिका हुआ ही नहीं है, अपने खिलाफ उठे हर हाथ को काट रहा है। असल में इसराइल का अस्तित्व ही उसकी ताकत पर टिका है। अब सवाल है कि जिस आर्मी पर इसराइल को गुमान है उस आर्मी को इसराइल ने किन हथियारों से लैस किया है? इसराइल के पास 2,200 से ज्यादा टैंक हैं। इसराइल की चौकसी देखिए, इन टैंकों में से 1,760 हमेशा रेडी रहते हैं। इसराइल की युद्ध वाहन की कुल संख्या की बात करें तो इनके पास कुल मिलाकर 56,290 गाड़ियां हैं, जिनमें से 45,000 से ज्यादा हर समय इस्तेमाल में होती हैं। 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, इनमें से 520 सीमाओं पर तैनात रहती हैं। टोटल आर्टिलरी यानी खींच कर ले जाने वाली तोप 300 हैं। 240 तोप हमेशा तैयार रहती हैं। MLRS यानी मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 300 है। 240 से इस समय गाजा पर हमला किया जा रहा है।
इसराइल के इस मिलिट्री पावर को इसराइल की एयरफोर्स और नेवी की ताकत के साथ जोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसराइल मध्य पूर्व का सबसे मजबूत देश क्यों कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि अरबों के बीच बसे इसराइल को कोई दुश्मन हिला भी नहीं सकता है, बशर्ते 7 अक्टूबर की तरह फिर भी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल ना हो। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF को रिस्पॉन्ड करने में 3 घंटे नहीं लगे। इसराइल से चूक हुई है, लेकिन हमास ने उससे भी बड़ी चूक कर दी है। नतीजा देखिए कि गाजा पट्टी जल रही है। अमन के पैरवीकार बाशिंदों के ऊपर भी मौत मंडरा रही है। इसराइल फायरिंग पर फायरिंग झोंक रहा है। इसराइल का पहला टारगेट है गाजा पट्टी के सुरंग और बंकर। बड़ी संख्या में गाजा पट्टी में सुरंग और बंकर हैं और जानकारी के मुताबिक हमास के आतंकवादी इन्हीं बंकरों और सुरंगों में छिपे रहते हैं। इसराइल ने इन बंकरों और सुरंगों को तबाह करने के लिए अपने एयरफोर्स के साथ साथ मिलिट्री को भी लगा दिया है ताकि हमास के आतंक का खात्मा हो। इसराइल ने ऐसी सैनिक तैयारी एक दिन में नहीं सालों और दशकों में किया है। इसराइल चाकू की नोक पर बैठे देशों की तरह रहा है, जहां सीरिया के हिजबुल्ला आतंकी, फिलिस्तीन के हमास आतंकी कभी भी किसी वक्त रॉकेट दाग देते हैं। वो तो इसराइल की एयरफोर्स इतनी ताकतवर है कि हमले को नाकाम करती रही है। वो कहते हैं ना कि हर बार कोई नंबर वन नहीं रह सकता, तो इसराइल की एजेंसियों से भी चूक हुई। लेकिन इसराइल इतना समर्थ है कि वो आतंकवादियों को करारा जवाब दे सके। इस वक्त इसराइल यही कर रहा है। इसराइल का रक्षा बजट 2.02 लाख करोड़ रुपए का है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट बताती है इसराइल अपने कुल बजट का 12% रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल अपनी रक्षा जरूरतों के लिए देश के संसाधन का किस लेवल पर इस्तेमाल करता है। असल में इसराइल की ये मजबूरी है क्योंकि अरब देश इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। इसराइल अकेला कितना काफी है ये हमने आपको इसराइल की सैनिक क्षमता के आंकड़ों में बताया। अब देखना जरूरी है कि जो शक्तियां या देश इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी ताकत कितनी है। मिस्र, लेबनान और सीरिया इसराइल के पड़ोसी देश हैं, लिहाजा अरब देशों की ओर से हमले की सूरत में ये 3 देश ही सप्लाई रूट बनेंगे। इन्हीं 3 देशों के रास्ते कहा जा रहा है कि ईरान की फौज भी मैदान में जरूरत पड़ने पर उतरने के लिए तैयार है। इन 3 देशों की सैनिक शक्ति और हथियार की शक्ति कैसी है समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स के मुताबिक मिस्र को सैन्य शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली अरब देश के रूप में स्थान दिया गया है। वैश्विक रैंकिंग में मिस्र 14वें स्थान पर है। इसी साल जनवरी में आई ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स बताती है कि सैनिक शक्ति के मामले में तुर्की अरब देशों में नंबर 1 पर है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास मध्य पूर्व क्षेत्र में 3री सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है। यही रिपोर्ट बताती है कि सीरिया सैनिक शक्ति के मामले में अरब देशों में नंबर 10 पर है और लेबनान तो इस लिस्ट में सबसे नीचे 20वें नंबर पर है। इसराइल से सीधा टकराव में इसराइल को सबसे ज्यादा चैलेंज मिस्र से मिलेगा। हालांकि 1967 की लड़ाई में इसराइल मिस्र को मात दे चुका है, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र मिलकर लड़ता है तो इसराइल की मुश्किल बढ़ जाएगी। 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के पास कुल 3 लाख सैनिक है, जिसमें 90,000 से लेकर 1,20,000 तक पेशेवर हैं। जाहिर मिस्र के पास आधुनिक हथियार भी हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि मिस्र कितना भी ताकतवर हो इसराइल की ताकत उससे दोगुनी है। अब सीरिया की ताकत भी देख लीजिए। सीरिया के पास 1,78,000 से 2,20,000 के बीच की आर्मी है। इनके साथ सीरिया के पास 80,000 से 1,00,000 तक की वो आर्मी है जो सीधी सेवा में नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर एक्टिव हो जाएगी। सीरिया गृह युद्ध में उलझा देश है और इसराइल के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति उसमें तभी आती है जब ईरान से ऑर्डर आता है, लेकिन दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कम से कम अब तो इसराइल नहीं करेगा।